अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर तो आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू जॉब्स के बारे में, पीपीएससी के थ्रू जो अभी जॉब स्टार्ट आना शुरू हो गई हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, मोस्टली हर संडे को अब जो है ना वो ऐड आना शुरू हो गया है। तो ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो 14 एडवर्टीजमेंट नंबर 14 है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसके थ्रू मतलब इस ऐड में कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। लाइक ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 14, तो इसमें ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके थ्रू जॉब्स आई है। एमबीबीएस वाले लोगों के लिए है ये, आप इसकी रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। एमबीबीएस जिनका है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बी जो है रजिस्टर्ड विद पीएमडीसी, तो ये इसके लिए ये सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की डिफरेंट सब्जेक्ट की जो है वो जॉब्स है ये आपके सामने। इसी तरह डिफरेंट एमबीबीएस, इसमें टोटली एमबीबीएस से रिलेटेड ही है जॉब्स जो है ना। ये स्पेशल स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में ही होगी। आप देख लें, एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकेंगे। ये भी एमबीबीएस, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर। फार्माकोलॉजी, ये देखें सर्जरी का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो इस तरह से ही ये भी हेल्थ के बारे में रेगुलर बेस की एक दो दो पोस्ट, ये 13 पोस्ट है। फिजियोलॉजी है, फिर उसके बाद एंथीजिया, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी, इसी तरह ये एमबीबीएस की जो है ना ये आप लोगों के सामने डिफरेंट उन्होंने पोस्ट दी हुई है। मोस्टली एमबीबीएस वालों का तो अलग ही सीन है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे पीपीएससी से रिलेटेड वो लोग ज़्यादा होते हैं। इनकी भी 25 सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी एमबीबीएस, और उसके बाद ये दूसरी रिक्वायरमेंट है एमबीबीएस वाले, क्योंकि एमबीबीएस वाले लोग तो हैं हमारी कंट्री में, लेकिन वो दूसरे ज़्यादा लोग हैं मतलब जिनकी जनरल डिग्री है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ उसी के लिए था। जैसे पंजाब लैंड कोड अथॉरिटी है, इसमें असिस्टेंट की 20 पोस्ट, टोटल ओपन मेरिट 15 है, और पर्सन को स्पेशल पर्सन कोटा 1, मिनोरिटी कोटा, अकलीते वगैरह 1, वुमेन कोटा 3 है, और 3 ईयर का पीरियड है। 42,000 इसकी लमसम पे होगी, सैलरी पैकेज फिक्स होगा। बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर का लाजमी चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं हो रही तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें 1 पेपर हो गया एमसीक्यूज बेस। मैं आप लोगों को बुक भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि आप लोगों ने बुक कौन सी परचेज करनी है, और अगर आप लोगों को बुक ना मिल रही हो तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बाय पोस्ट भिजवा देंगे, कैश ऑन डिलीवरी का जो सिस्टम आजकल पाकिस्तान में चल रहा है उसी के थ्रू। अच्छा, तो इसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें 97 पोस्ट टोटल अकाउंटेंट की आई है, 14 स्केल की, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ये इनकी ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 4 पोस्ट स्पेशल पर्सन कोटा, 5 पोस्ट मिनोरिटी, 25 फॉर वुमेन, और जो रिमेनिंग है वो ओपन मेरिट। तो बीका वाले इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स और या बीबीए फाइनेंस, इनमें से जो भी है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज 35 ईयर्स मेल के लिए और 38 जो है फीमेल के लिए। उसके बाद ये डोमिसाइल पंजाब का कहीं से भी हो सकता है। उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स 30% इसमें से आएगा पेपर इसका। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए से भी 30%,
40% जो होगा वो जनरल नॉलेज आपका, वो मैं बुक आपको जो है ना वो यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये बुक है पीपीएससी पास पेपर्स बाय एडवांस पब्लिशर इम्तियाज शाह की बुक है। ओरिजिनल एडिशन 72 जो है, 72nd जो है वो इसका चल रहा है, ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास लेटेस्ट एडिशन होता है। अगर आप लोग बाय करना चाहें या अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे तो इसकी कल लास्ट डेट है 30th, है ना, इस इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये बस वीडियो लेट हो गई मेरी, तो नहीं बना सका किसी वजह से। तो खैर अगर कोई भाई इस वीडियो को देखता है वो देख के अप्लाई कर ले, कल लास्ट डेट है। फिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर 14 के लिए भी लोकल गवर्नमेंट में 200 पोस्ट थी। ये भी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन 8 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन, 10 पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा, 38 फॉर वुमेन। इसमें मैट्रिक के बाद भी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर एंड सिविल आर्किटेक्चर, इनमें से सिविल में हो सकता है या आर्किटेक्चर में। 35 ईयर एज मेल के लिए और फीमेल के लिए 38। फिर इसमें सेम क्राइटेरिया है जैसे अकाउंटेंट की बात की थी, अकाउंटेंट में भी 30% वो सब्जेक्ट रिलेटेड था। इसी तरह इसमें 30% DAE सिविल से, 30% DAE आर्किटेक्चर से, 40% जनरल नॉलेज इस बुक में से आएगा, ये वाली। उसमें भी 40% इसी में से आएगा और इसमें भी, और जो असिस्टेंट की जॉब है वो भी इसी बुक में से ही आना है पेपर। वो तो 100% जो है वो 100% नहीं तो 70% 80% इसी बुक में से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सब इंजीनियर सिविल की बात करें तो ये ऊपर जो हम लोगों ने इसकी बात की थी, इसमें ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर था और ये सब इंजीनियर सिविल की बात है। फैसलाबाद में ये इतनी सीट्स दी हुई इन्होंने, ये डोमिसाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं लोग ओपन मेरिट। ये माइनॉरिटी कोटा वुमेन ओपन स्पेशल पर्सन, ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकी दी हुई है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये एज का दिया हुआ है। और इसमें 80% जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग उसमें से आएगा, 20% ये बुक में से जनरल नॉलेज जो है आपको अभी शो की। ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लीगल की थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट थी लेकिन इसमें लॉ वाले ही अप्लाई कर सकते थे जिनका लॉ ग्रेजुएट था। और इसमें ये पेपर जो है ना ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके जो है ना टेस्ट का क्राइटेरिया। तो इस सीट की कल लास्ट डेट है 30th जुलाई, तो अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।